ये है एकनाथ शिंदे। इंटरनेशनल योग दिवस के दिन देश के मेन स्ट्रीम मीडिया में इनका नाम सुर्खियों में छाया हुआ है। ये वही नाम है जिसके चलते महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि शिंदे 10 से 15 विधायकों के साथ गुजरात के सूरत में डेरा जमाए हुए हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने आनंद फानन में विधायकों की आपात बैठक बुलाई तो सहयोगी दल एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी सभी विधायकों को बुलाया है। उधर तीसरी बड़ी सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने अपने विधायकों को दिल्ली तलब किया है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कौन है एकनाथ शिंदे जिसने महाराष्ट्र सरकार को संकट में डालने के साथ ही उद्धव ठाकरे और शरद पवार की नींद उड़ा दी है, जिनके इस कदम से महाराष्ट्र की राजनीति में एकाएक उथल पुथल हो गई है। एकनाथ शिंदे के बारे में कहा जाता है कि वे ठाकरे परिवार के बाहर सबसे मजबूत ताकतवर शिवसैनिक हैं। 59 साल के शिंदे की इमेज एक कट्टर और वफादार शिवसैनिक की रही है। वे महाराष्ट्र सरकार में नगर विकास मंत्री हैं। सतारा जिले के पहाड़ी जवाली तालुका निवासी शिंदे साल 1980 में शिवसेना से बतौर शाखा प्रमुख जुड़े थे। ठाणे शहर में आने के बाद उन्होंने 11वीं मंगला हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज ठाणे से पढ़ाई की। ठाणे में शिंदे का प्रभाव कुछ ऐसा है कि लोकसभा चुनाव हो या निकाय चुनाव, हमेशा इनका उम्मीदवार ही चुनाव जीतता आया है। शिंदे ठाणे की कोपरी 5 पखाड़ी सीट से 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं। वे पार्टी के लिए जेल भी जा चुके हैं। वे साल 2014 से साल 2019 तक बीजेपी शिवसेना की सरकार में मंत्री थे। एकनाथ शिंदे साल 2014 में अक्टूबर से दिसंबर 2014 तक नेता विपक्ष भी थे। उनके बेटे श्रीकांत शिंदे भी शिवसेना के ही टिकट पर कल्याण सीट से सांसद। साल 2019 में जब शिवसेना ने भाजपा से गठबंधन तोड़ा तो तय हुआ वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएगी और सीएम शिवसेना से होगा। लेकिन सीएम बनेगा कौन ये तय नहीं हो पा रहा था। उद्धव ने चुनाव नतीजे आने के बाद विधानसभा में विधायक दल का नेता एकनाथ शिंदे को बना दिया। तब लगा था कि शिंदे ही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन शरद पवार और सोनिया गांधी चाहते थे कि उद्धव ही सीएम बने। ऐसे में शिंदे मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। वहीं शिंदे ने कहा कि शिवसेना आलाकमान से नाराजगी की कोई बात नहीं है। सूत्रों की माने तो वे गठबंधन की तीनों पार्टी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी से नाराज है। इससे पहले जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना आलाकमान से खटपट की खबरें सामने आई थी। तब ये भी कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे अपने तमाम समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि उस वक्त यह खबरें गलत साबित हुई थी और उन्होंने खुद इस बात का खंडन किया था, लेकिन दोबारा नाराजगी की बात सामने आई है। ऐसे में देखना होगा कि क्या इस बार शिंदे वही खेल शिवसेना के साथ दोहराएंगे जो बीजेपी के साथ उद्धव ठाकरे ने किया था।